सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में, जो कि 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चले गए। श्राद्ध पक्ष के बारे में जो वीडियो थी वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। आज हम ये बात करेंगे कि श्राद्ध पक्ष में कौन सी वस्तु नहीं खानी चाहिए, यानी कि जब भोजन बना रहे हैं आप तो भोजन में कौन कौन सी खाने वाली चीज़ें जो है वर्जित हैं। क्योंकि जो हम रोज़ भोजन करते हैं उसमें कई प्रकार के ऐसे भोजन है जो रोज़ नहीं खाया, रोज़ खाते हैं मगर उसे श्राद्ध के समय नहीं खाया जा सकते। क्योंकि 16 दिन जब श्राद्ध चलते हैं तो उस दिन काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष जो 16 दिन चलेंगे ये हमारे पितरों से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि यमराज जी जब सभी पितरों को मुक्त कर देते हैं तो पितर जो है अपने अपने घर आते हैं, तो इस दौरान 16 दिन तक पितर धरती पर ही रहते हैं। और 29 सितंबर को शुरू हो रहे हैं श्राद्ध, पूर्णिमा का और प्रतिपदा का श्राद्ध जो 29 तारीख को ही होगा, उस दिन से शुरू होकर 14 तारीख को स्वरूपित अमावस्या जिस दिन है 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 15 अक्टूबर से जो है नौरते शुरू हो रहे हैं। तो 14 अक्टूबर को स्वरूपित अमावस्या के साथ सभी पितर यहाँ से विदा हो जाएंगे। तो 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चले गए। तो देखिए, एक तो जब आप श्राद्ध कर रहे हो, क्योंकि श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा, यानी कि श्रद्धा के द्वारा जो किया गया श्राद्ध है उसे ही पूरा माना जाता है। और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ही प्रारंभ होते हैं और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इन तिथियों के स्वामी जो है पितर देवता हैं। और अपने पितरों का पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण इन 16 दिनों में किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ये मालूम नहीं है कि उसके पितरों की मृत्यु किस तिथि में हुई थी, क्योंकि कई बार लोगों को याद नहीं होता कि कौन सी तिथि में आपके पितर का मतलब संस्कार हुआ था, तो किस दिन मृत्यु हुई थी, तो वो व्यक्ति स्वरूपित अमावस्या वाले दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है। हम आज बताने जा रहे हैं कि कौन सी भोजन में वस्तु नहीं बनेगी, जो पदार्थ नहीं बनने वाले हैं। जैसे एक तो लौकी, उसे आपको 16 दिन तक नहीं खानी चाहिए लौकी। इसके अलावा खीरा, चना, जीरा, सरसों का साग, बैंगन, मसूर और उड़द की दाल तथा अन्य तामसिक चीज़ें, खासकर लहसुन प्याज को तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि श्राद्ध जो है अपनी ही ज़मीन पर करें, किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पर बिल्कुल ना करें, क्योंकि दूसरे की व्यक्ति की ज़मीन पर कराया गया श्राद्ध पूर्ण नहीं माना जाता। और एक बात और है कि जब किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो इससे ये मत पूछें कि भोजन कैसा बना है, क्योंकि इससे श्राद्ध का जो अपमान होता है। क्योंकि खाना खिलाने के बाद कभी ब्राह्मण से ये मत पूछना चाहिए कि भोजन कैसा बना है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में जो है पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करते हुए बहुत ध्यान रखा जाता है। इस दौरान ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है, उसे भोजन घर बुलाकर खिलाया जाता है। इस समय इन 16 दिनों में ध्यान रहे, किसी पशु पक्षी को आप ना मारें, किसी जानवर को ना कुछ तंग करें, और इस दौरान कोई नई वस्तु बिल्कुल ना खरीदें, नया कपड़ा को इस तरह की ना, क्योंकि इन 16 दिनों में किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, कोई मांगलिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए, इन सब की मनाही होती है। क्योंकि ये केवल पितरों की तिथि है, इस दौरान पितरों से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, क्योंकि पितरों की आत्मा की शांति के लिए ही ये 16 दिन बनाए गए हैं। क्योंकि जब आप ये सभी कार्य पूर्ण रूप से करेंगे, श्रद्धा से पूर्वक करेंगे, तो आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि वे यमराज की यातनाएँ झेल रहे हैं तो उन्हें यमराज से मुक्ति मिल जाती है। कई बार ये देखा गया है कुंडली में कि लोगों की कुंडली में जो है पितृदोष पाया जाता है, और जब पितृदोष होता है तो कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जैसे संतान ना होना, घर में कलेश रहना, व्यापार ना चलना, तरक्की ना होना, परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहना, इस तरह की कई तरह की बाधाएं जो है घरों में देखी गई है जब व्यक्ति कुंडली पितृदोष होता है। पितृदोष बड़ा भयंकर दोष है जिसके बनने के बाद बच्चों को दिक्कत, मतलब घरों में जो बड़े और बच्चे उन सबको दिक्कत होती है, किसी की भी कुंडली बन सकता है ये परिवार में, और ये पितृदोष है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसका निवारण किया जाता है तो
तो निवारण इसका यही है कि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जो है इसमें आप पूरी श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को श्राद्ध करें, उनसे क्षमा याचना करें, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो आपके कार्य जो बनने लगेंगे घर में सभी कार्य ठीक हो गए और आपके घर में शांति बनी रहेगी। श्राद्ध करते समय आपका मुंह हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और इस तरह मुंह करके जल भी देना चाहिए। खासकर पंचबलि का बड़ा महत्व है। पंचबलि यानी कि 5 जगह भोजन निकाला जाता है। पहला ब्राह्मण को जाता है, दूसरा गाय को, तीसरा कौवे को, चौथा चींटी को और पाँचवा कुत्ते को। तो ये 5 जगह भोजन निकाला जाता है जब भोजन बनाते हैं। ये पंचों जब दिया जाता है तो पितरों के पास पहुँच जाता है। इस दौरान दान दक्षिणा आदि करना चाहिए। जैसे आप किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र दान करें, खाना दान करें, भोजन भी दे सकते हैं और भी कुछ, यानी कपड़ों को देने का भी बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को दान करें, किसी गरीब व्यक्ति को दान करें, मगर इस दौरान ध्यान रहे किसी पशु पक्षी को ना सताए, तंग ना करें, तामसी भोजन ना करें, कोई गलत सेवन ना करें, शराब आदि का या बीड़ी सिगरेट का, इन सब से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कोई कुंवारे बच्चे मर गए हैं या कोई कुंवारा व्यक्ति मर गया है, बच्चे छोटे मर गए हैं, तो उनका श्राद्ध हमेशा पंचमी तिथि पे किया जाता है जो कि 3 अक्टूबर को पड़ेगी। और नौमी तिथि जो होती है यानी नौमी तिथि श्राद्ध में, उस दिन सुहागन स्त्री जो मरती है उसको किया जाता है। सन्यासी का श्राद्ध जो है द्वादशी तिथि में होता है। जो सन्यासी व्यक्ति होते हैं उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि में किया जाता है। चतुर्दशी तिथि में जो है अकाल मृत्यु में जो मरते हैं, यानी कि जो चतुर्दशी तिथि होती है अकाल मृत्यु वाले जो मरते हैं लोग, जैसे जहर खा के नहर में गिर के एक्सीडेंट में, तो ये सब अकाल मृत्यु वाले लोग हैं। इनकी इनका जो श्राद्ध है हमेशा चतुर्दशी में ही किया जाता है, यानी चतुर्दशी की 14वीं तिथि। और जिनका आपको नहीं पता, यानी कि जिस आपको नहीं पता कि आपके पितरों की मृत्यु कौन सी तिथि में हुई थी, तो आप उनका श्राद्ध जो है स्वर्पित अमावस्या यानी कि जो 14 अक्टूबर पड़ेगी, स्वर्पित माने अमावस्या का आखिरी दिन, यानी श्राद्ध का आखिरी दिन होता है उसे अमावस्या बोलते हैं, तो स्वर्पित अमावस्या पर आप कर देते हैं। उस दिन पितरों की विदाई होती है, तो उस दिन श्राद्ध आप अच्छे से करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, दान दक्षिणा करें, पंचबलि करें, अपने पितरों को खुश होकर भेजें, क्योंकि कहा जाता है कि पितर खुश नहीं होते तो वो फिर बद्दुआ भी देते हैं। तो पितरों का अच्छे से आप जब कार्य करते हैं तो पितर खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं, सुख शांति आपके घर में आती है, घर के लिए समाप्त होता है और आपके घर में धन धान्य से बना रहता है, सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा तो परिवार आपका फलता फूलता है। तो जैसे मैंने आपको ये बताया है श्राद्ध पक्ष के बारे में, इस तरह आप करें, क्योंकि पिंडदान श्राद्ध तर्पण इनका बड़ा ही महत्व कहा गया है और ये 16 दिन बहुत ही महत्व है पूर्ण है, क्योंकि इस दौरान पितर धरती पर आते हैं और उसके बाद वो 16 दिन विदा हो जाते हैं। तो जब आए आने से जाने तक आपके पितर यदि खुश हो जाते हैं तो आपके घर में जो है सभी प्रकार के सुखों में वृद्धि होती है, कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। तो ये था श्राद्ध पक्ष के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी कर दें ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।